नागपुर में कामठी के दरोगा मस्जिद के मैदान में मुशायरों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार एवं विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें महाराष्ट्र न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के CEO निशांत भाई इन्हें बेस्ट मीडिया मैनेजमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मंत्री अनिल सहमत के हस्ते दिया गया। श्री बाल कृष्ण चरडे, श्री बाल कृष्ण चरडे उसे डॉक्टर बनाए, हमें जो भी उसे मदद की जरूरत पड़ेगी हम उसके साथ में हैं। दूसरे जो मेरिट इन परशीन में आए हैं हमारे अमर हैदर साहब, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं। जिनको अवार्ड मिला है कल्चरल फील्ड में, सोहेल आलम साहब और मंसूर। शराब के लिए 500 रुपए नहीं दिए तो कर दिया हमला। इंदौर MIG पुलिस ने वकील पिता ईद मोहम्मद निवासी जल्ला कॉलोनी की शिकायत पर आरोपी मनीष उर्फ मनसा कुशवाहा के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है। आरोपी ने वकील को नेहरू नगर स्थित पैरवा धर्मशाला के पास रोका और शराब पीने के लिए 500 रुपए मांगे। रुपए नहीं देने पर उसने हमला कर दिया। उसने गालियां दी और मारपीट की, जाते जाते जान से मारने की धमकी दे गया। पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए युवक निकला था टेंट के पास से। बदमाशों ने घर में घुसकर पीटा। इंदौर में लसुड़िया पुलिस ने ध्यानती बाई की शिकायत पर आरोपी बबलू चौबे निवासी बजरंग नगर व उसके साथियों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है। आरोपी के घर कुछ कार्यक्रम होने से आरोपी ने रोड पर ही टेंट लगा रखा था। फिरियादी का बेटा अजय अपनी पत्नी को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाने के लिए टेंट में से निकलने लगा। तब आरोपी बबलू ने अजय को रोका तो अजय टेंट के साइड से निकल गया। इसी बात पर आरोपी बबलू चौबे अपने अन्य साथियों के साथ फिरियादी के घर में घुस गया। उसने गालियां दी और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। तो MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।